अगर आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो चुके हैं तो मेरा ये ऑयल एक महीना लगाकर देखिए, आपके बालों की रंगत ही बदल जाएगी। आपके जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे और आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे जिनके नहीं हुए हैं। साथ में आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, क्योंकि बालों लंबाई तो बहुत लोगों की होती है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होता, मतलब आपके बाल घने नहीं होते, बहुत पतले होते हैं। तो पतले बालों में जान आ जाएगी। आपके बाल अगर रूखे हो गए हैं तो 101% आपके बालों में एक अलग ही जान और शाइन आ जाएगा। तो इस बेहतरीन रेमेडी को देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही घरेलू चीजें मैं इस्तेमाल करने वाली हूं जो आपके बालों की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे, आपके पैसे भी बचाएंगे और आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट का। तो चलिए जान लेते हैं इस हर्बल तेल को बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्राइंग पैन लेना है, उसमें आपको एक कप कोकोनट ऑयल डालना है, नारियल का तेल। नारियल का तेल डालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कैस्ट्रो ऑयल। कैस्ट्रो ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट होगा कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल इजीली आपको बाबा रामदेव की दुकान या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है। अगर कलौंजी का ऑयल नहीं तो आप कलौंजी के बीज ले लीजिए, वो उसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए। उसके बाद हमें अपनी गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है, इस बात का ध्यान रखेगा आपको गैस तेज नहीं करना। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, यानी 8 से 10 दाने काली मिर्च के। काली मिर्च क्या करती है, हमारे बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाती है और हमारे बालों में डैंड्रफ, बालों की मजबूती को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाती है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूखा आंवला। आंवला आपके बालों के लिए रामबाण इलाज है, आपको इसके फायदे खुद से बहुत ज्यादा पता होंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच फेनुग्री सीड्स, यानी मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, हमारे बालों में जान लेकर आता है। और लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेश वाला है तो लीफ का इस्तेमाल करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें आर्टिफिशियल मार्केट वाला, क्योंकि वो इस ऑयल में नहीं डलेगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से बना लीजिए। बनाने के बाद जैसे जैसे उबलेगा, बॉइल्ड होने लगेगा धीमी आंच पे, आप इसको छान कर एक कांच की शीशी में स्टोर करके रख दें। बस आपने इसको डबल बॉयलर की हेल्प से जब भी लगाना है गरम करना है और अपने स्कैल्प में और लेंथ में लगाना है, सर धोने से आधा या 1 घंटा पहले। इससे ज्यादा बेशक आपको लगाने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 2 बार लगाइए। और लगाने के बाद जो भी रिजल्ट रहेगा प्लीज मुझसे शेयर करने जरूर आना, क्योंकि आपका एक कमेंट बाकी लोगों की जिंदगी भी बेहतर कर सकता है, उनके बालों का टेक्सचर सुधार सकता है। इस वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर और मेरी इस मेहनत के लिए कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमेशा आपकी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, ख्याल रखूंगी। खुश रहिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने जानने वालों से प्यार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।